मित्र, रामायण में आपने संजीवनी बूटी के बारे में तो जरूर सुना होगा। प्रभु श्री राम के भ्राता लक्ष्मण की जान बचाई थी। तो आज हम आपसे संजीवनी बूटी से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो श्री राम का भक्त है वह कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। मित्रों, दरअसल रामायण में लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए हनुमान जी का पूरा पर्वत उठाकर लाना और पूरा पर्वत उठाने के पीछे का एक मुख्य रहस्य ये था कि हनुमान जी ये जान ही नहीं पा रहे थे कि आखिर में संजीवनी बूटी कौन सी है जिससे लक्ष्मण जी की जान बचेगी। आज भी हमारे भारत में आयुर्वेदिक औषधियां भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद का जन्म हमारे भारत में 5000 साल पहले हुआ था। संजीवनी बूटी की बात की जाए तो यह भी एक आयुर्वेदिक औषधि ही थी जो कि लक्ष्मण जी के लिए दूसरी जिंदगी लेकर आई थी। मित्रों, संजीवनी बूटी जिस पर्वत पर मिली वह पर्वत हनुमान जी स्वयं उठाकर लाए थे वो आज भी चर्चित है। श्रीलंका में इस पर्वत को रुमार्सला पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आज भी इस पर्वत पर संजीवनी बूटी पाई जाती है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी पहाड़ उठाकर ले जा रहे थे तब उसका एक टुकड़ा रीति गाला में गिरा। इसकी खासियत यह है कि यहाँ आज भी ऐसी जड़ी बूटियाँ उगती हैं जो उस इलाके से बहुत अलग हैं। मित्रों, संजीवनी बूटी की बात की जाए तो आखिर क्या है संजीवनी बूटी? तो हिंदू मान्यता के अनुसार संजीवनी एक चमत्कारी बूटी है। इसमें किसी तरह की परेशानी के निवारण की शक्ति है। ऐसा माना गया है कि यह बूटी मृत शरीर में जान डाल देती है। वैज्ञानिक साहित्य की सूची में कहीं कहीं संजीवनी का उल्लेख सेरा जिनेसा ब्रायोट्रेप्रिस के रूप में किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों की खोज अब तक किसी भी पौधे का खुलासा निश्चित रूप से नहीं कर पाई है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि संजीवनी अंधेरे में चमकती। लंका के वैद्य ने हनुमान जी से कहा था कि हिमालय पर कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच एक ऐसा पर्वत है जिस पर जीवन देने वाली बूटियां पाई जाती हैं। यह बूटियां चार प्रकार की हैं: मृत संजीवनी, विलस्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। इन सभी जड़ी बूटियों में सदैव प्रकाश निकलता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कथा के अनुसार यह कहा गया है कि लक्ष्मण के होश में आने के बाद हनुमान जी ने उस पर्वत को वापस अपनी जगह पर जाकर रख दिया था। संजीवनी बूटी को लेकर विज्ञान में अभी तक खोज की जा रही है। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए स्त्रम क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।